गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 5। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 5 द किटन एट प्ले। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस चैप्टर का मतलब क्या है और इस पोएम या पोएम जो है किनके द्वारा लिखा गया है, समझे। द किटन एट प्ले का मतलब क्या, द किटन एट प्ले मतलब कि जो बिल्ली का जो बच्चा होता है वह क्या होता है, खेल रहा होता है। उसके खेलने वह कैसे खेलता है, उसके खेलने के तरीके को दर्शाया गया और कहाँ खेलता है, कितना मस्ती से खेलता है, किस समय को वह ज़्यादा इन्जॉय करता है, इस चीज़ को इस पोएम के थ्रू आपको बताया गया है, ठीक है ना। यह जो पोएम है द किचन एट प्ले वह किनके द्वारा लिखा गया है, विलियम वॉर्ड्सवर्थ के द्वारा। देखिए, विलियम वॉर्ड्सवर्थ के द्वारा यह पोएम लिखा गया है। विलियम वॉर्ड्सवर्थ जो है वो एक इंग्लिश पोएट है जो ज़्यादातर रोमांटिसिज्म अपने पोएम में दिखाते हैं। रोमांटिसिज्म आई मीन कि कुछ भी चीज़ को इतना रोमांटिक बना, इतना इंटरेस्टिंग बना देना कि जो भी उसे पढ़े, जो भी उसे समझे, उसे सचमुच लगे वो चीज़, ठीक है ना, कि सच में यह जो स्टोरी है या जो पोएम है वह क्या हुआ, सच में घटा है, ठीक है ना। इतना वो उसमें मतलब कि आई मीन कि उसमें एक तरह से वो लाइव जीवन दे देते थे, ठीक है ना, इस तरह से वह पोएम लिखा करते थे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार इस पोएम में उन्होंने एक बिल्ली के बच्चे की हरकतें और खेल कूद को दर्शाए हैं कि कैसे वह बिल्ली का बच्चा जो होता है वह कैसे खेलता है, कैसे अपने लाइफ को इंजॉय करता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग भी होंगे कि आप लोग को हर सीज़न पसंद नहीं आता होगा, ठीक है ना। जैसे कि किन्हीं को समर सीज़न पसंद होगा, किन्हीं को विंटर सीज़न पसंद होगा, किन्हीं को रेनी सीज़न पसंद होगा। तो सभी का अपना अपना पसंद होता है, जिसमें वह क्या करते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खूब इन्जॉय करते हैं। और क्योंकि हर सीज़न का अपना अपना हर सीज़न का अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, तो उसमें भी बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जैसे अभी का सीज़न है, अभी कौन सा सीज़न चल रहा है, अभी रेनी सीज़न आया तो नहीं है लेकिन आने वाला है, ठीक है ना। तो इस सीज़न में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर आम लीची खाना पसंद करते हैं, ठीक है ना। जैसे समर सीज़न हुआ, समर सीज़न में ज़्यादातर तरबूज हुआ, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो यही होता है क्या कि हर का इंटरेस्ट, हर व्यक्ति हो या चाहे जानवर हो, हर चीज़ का इंटरेस्ट जो होता है वह अलग होता है, अपना अपना होता है, समझे। तो बिल्ली जो है वह ठंड के मौसम में, इस पोएम में जो बताया गया है, वह ठंड के मौसम में बहुत ही इंजॉय करता है, मस्ती करता है, क्या चीज़ के साथ, सूखे पत्तों के साथ। जैसे कि सूखे पत्ते पर आप लोग भी अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा पत्ता, उस पर छहलिएगा तो क्या होता है, छहल जाता है, ठीक है ना, स्केट कर जाएगा उस पर आप लोग, ठीक है ना। उसी तरह यह बिल्ली का बच्चा जो भी है वह भी उसी तरह सूखे पत्ते पर क्या होता है, छलांग लगा लगा क्या करता है, मस्ती करता है, एंजॉय करता है, ठीक है ना। और किस समय, उस कुहासे का समय होता है वह, ठीक है ना। जो बिल्ली मस्ती करता है वह कुहासे का ठंड भरा समय होता है, ठंड का मौसम होता है, ठीक है ना, उसमें वो बहुत मस्ती करता है, ठीक है ना। आप लोग को भी, जैसे आप लोग को वर्षा में नहाना बहुत पसंद होगा, चाहे बीमार आप पड़ जाइए लेकिन फिर भी जब भी वर्षा होगा आपको मन करेगा नहाने का, ऐसे भी अच्छा लगता है, बारिश में नहाना अच्छा लगता है ना। तो यही बात है कि तो किटन एट प्ले, द किटन एट प्ले, तो इसी प्रकार जो बिल्ली का बच्चा जो है कैसे इंजॉय करता है, कैसे वो अपने जीवन को, अपने लाइफ को क्या करता है, इंजॉय करता है, कैसे खेल कूद कर बड़ा होता है। जैसे हम लोग भी बच्चे जो होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे को बहुत चीज़ सिखाया जाता है, बहुत तरह के वो खेल कूद करते थे बच्चे में, बचपन में बहुत तरह के खेल कूद करते हैं कि जो चीज़ उसको अच्छा लगता है वो करता है। अगर आप उसे मना कीजिएगा उस चीज़ के लिए तो क्या होगा, रोने लगेगा, रूस जाएगा, है ना। तो इसी तरह बिल्ली का बच्चा जो है वो भी अपने मन से उसको जो अच्छा लगता है वो खेलता है, कूदता है, दीवार पे कूदता है, दीवार पे और पेड़ पे छरकता है, इधर उधर करता है, ठीक है ना, समझे। चलिए, चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आप लोग इस चैप्टर का मतलब तो समझ गए होंगे कि इस पोएम में हमें क्या बताना जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।